हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और हम इतनी सुबह सुबह उठ के कहीं जा रहे हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी हमारा बहुत लोग कुफ्र में भी वेट कर रहे हैं, तो अभी निकलते हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। बाय। सावधानी से क्रॉस करिएगा, क्रॉस करने की तो नौबत ही नहीं आ रही। तो ये डीके हमारे स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट। हेलो, नमस्ते। पहले पीछे कर लेता हूँ। नमस्ते सनी भैया, नमस्ते दीदी, नमस्ते। मेरे व्लॉग में भी बोलो हेलो। व्लॉग तो रहने यार, प्लीज बोलना हेलो मेरे व्लॉग में। हाय, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मेरा भी परे आज। तो हमें डीके मिल गया है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। और चल, हाँ स्मार्ट लग रहा है यार। वाह वाह, थैंक यू। गंजा वरुण जो तू पलट के, तो क्या हुआ? काफी कोल्ड हो चुका है शिमला में। तो अब हम चलते हैं। और अब हमें ओए और भी तो मिलने थे ना हमें, कोई अब कोई नहीं मिलना यार, वो आई नहीं हो तो नहीं किया। हमें कोई और भी मिला था पर पता नहीं, कॉल ही नहीं आई। तो क्या हो रहा है? हाय, ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, मेरे फैंस मुझे हाय करने आए हैं। हेलो। तो हाँ बिल्कुल दूंगी वापस आते हुए। अभी जा रही हूँ कहीं। जल्दी बोलो, रुको। गुगी कहाँ है? गुगी कहाँ है? सब सोए हुए। ठीक है, बाय। तो अभी हम लोग छल्ला से आगे गुम्मा पहुंचने वाले हैं और हम जा रहे हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रोडो। और हम क्यों जा रहे हैं थोड़ी देर से बताती हूँ। तो हम अभी गुम्मा पहुंचे हैं। यहाँ हमारा कोई जानने वाला नहीं है जो हमें खाना पानी करा दे, लेकिन तुम्हारा है ना, तो प्लीज अगर कोई यहाँ है। ओहो, ये वीडियो तो बाद में आएगी ना, लगता है इंस्टाग्राम पे डालना पड़ेगा कि कोई है तो प्लीज हमें खाना वाना खिला दो। बोल दो तुम, इंस्टा पे डाल देंगे क्या? इंस्टा पे भाई लोगों, खाना लेके सड़क में आ जाओ। चलो ठीक है, चलते रहते हैं, फिर देखते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है और कहाँ पे। ये है गुम्मा और ये है गुम्मा का HPCA स्टेडियम। ये स्टेडियम कहाँ पे? पॉलिटेक्निकल। ये पॉलिटेक का हरी छत वाला दिख रहा है, ये जो हरी छत वाला दिख रहा है ये है पॉलिटेक। क्या? पॉलिटेक्निकल कॉलेज है ये, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो ये ग्रीन छत वाला दिख रहा है। और यहाँ हो रहा है डीके का फोटोशूट। तो हमने अभी भी कोटखाई क्रॉस किया है और मैं इनको बोल रही थी कब से लेके कि जब हम कोटखाई पहुंचेंगे तो प्लीज मुझे बताना, प्लीज मुझे बताना। यार मैंने डीके बोला नहीं, यहाँ से रोड में ऊपर जाओ और स्कूल बस स्टैंड है यहाँ नीचे। मैंने बोला, मैंने बस स्टैंड भी यहाँ नीचे। बस पता नहीं कौन से ख्वाबों में बोला, मुझे नहीं पता चला। और मैं कोटखाई का व्यू दिखाना था और कोटखाई में मेरा एक फ्रेंड रहता है ध्रुव। अगर ध्रुव अगर तुम मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो हाय, मैं कोटखाई में हूँ, प्लीज मिलने आ जाना। ओके, सही दिया ना तब तो नहीं। तो हम अभी खड़ा पत्थर पहुँचे थे, तो हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फोटो फोटो ले चलो नीचे।
तो हम अब रोडू पहुंच चुके हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं रोडू इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ मेरा एग्ज़ाम था। इतनी दूर से मैं एग्ज़ाम देने आई थी और मेरा जो सेंटर है वो पता नहीं कौन सा स्कूल था, हिमालयन पब्लिक स्कूल है, तो अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं। In 500 meters, turn left. तो चलो चलते हैं। वो रहा मेरा सेंटर, अभी चल जाओगे तो, अभी तो बंद होना है। तो गूगल मैप के चक्कर काट काट के टर्न लेफ्ट टर्न राइट करते करते बड़ी मुश्किल से हमें अपना सेंटर मिल गया है। और अब मैं जा रही हूँ पेपर के लिए। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, पर 10:30 एंट्री है, तो 10:30 अभी हुए नहीं है, तो थोड़ी देर से चली जाऊँगी और तैयार हो जाती हूँ। ये हो गई हूँ मैं तैयार। ये है मेरा पेन और इसमें मेरा एडमिट कार्ड। ये मेरा एडमिट कार्ड और मेरा आधार कार्ड। चलते अब। यार क्या है यार, पूरी वीडियो खराब कर दी ना। तो चलो अब मैं रेडी हूँ और मैंने आधार कार्ड और एडमिट कार्ड भी ले लिया है और अब निकलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय, एग्जाम के बाद ही मिलती हूँ। 2 hours later. कैसे हुआ आपका एग्जाम? बहुत ही जबरदस्त। क्लर्क साहब, बंगे क्लर्क, सेक्रेटरी में साहब, सेक्रेटरी में सर आपसे बात करेंगे, ठीक है? अब मैं तुम लोगों को पीएनबी लगा दूंगी। तो मैं अब आ गई हूँ एग्जाम देके और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, कुछ शेक वेक पीते हैं। बहुत गर्मी है तो, और कुछ भूख भी लगी है, सिर दर्द हो गया। और मेरे को एग्जाम में ना सीट बिल्कुल धूप के पास मिली थी और मेरे सिर में इतनी दर्द हो रही थी ना, तो फिर अब हम कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद, और हाँ प्लीज कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछेगा कि एग्जाम कैसा हुआ, कोई भी नहीं, ओके? और मेरे साथ एग्जाम देने एक और कन्या थी, ये रही वो। हाई कर दो हिमाली। मैंने उससे पहले आए थे इसलिए हमने सोचा की हार्डकोटी टेम्पल भी जाके आते हैं, बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हार्डकोटी टेम्पल और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मेरा वेट कर रही है। मैंने उसको कॉल करके बुलाया था, उसका घर यही नजदीक में है, तो फिर वो भी वहाँ पे वेट कर रही है। इशू में क्या विजू बैठने के, ये देखो मेरी फ्रेंड इशू के रंग बिरंगे बाल रंग बिरंगे बालों वाली दोस्त। अरे रुक जा सुन।